हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में विश्व के महाद्वीप से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। विश्व में टोटल कुल महाद्वीप कितना है? 7 है। देखिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और याद रखना साथियों, एशिया महाद्वीप जो है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया जो है संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। दूसरा प्रश्न है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो यह है अंटार्कटिका महाद्वीप को ही श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। देखिए, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। बर्फ सफेद दिखती है और बाहरी अंतरिक्ष से देखने पर अंटार्कटिका सफेद पिंड जैसा दिखता है। अंटार्कटिका में पृथ्वी पर मौजूद 90% बर्फ पाई जाती है। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो कौन से महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को ही महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है। समुद्र के पानी के चारों ओर से घिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, इस कारण से इसको द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का महाद्वीप कौन से महाद्वीप को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्टस किसे कहते हैं? तो कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्टस एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, उत्तर अमेरिका या फिर उत्तरी अमेरिका को। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे मानव घर कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को ही विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो कौन से महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम के उपनाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को ही भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को ही पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है? तो याद रखना साथियों, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका है ना, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है, ऐसा महाद्वीप मानते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के
एस अक्षर की तरह है तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? तो याद रखना साथियों, अंटार्कटिका जो है वो अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह दिखता है, और ऐसा माना जाता है, और एक ऐसा महासागर है जो अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है, तो वो कौन सा महासागर है? तो याद रखना, अटलांटिक महासागर भी अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह दिखता है साथियों। और ये भी याद रखना, महाद्वीप की यदि बात करेंगे तो अंटार्कटिका जो है अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह दिखता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? तो अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्णतः क्या है? हिमाच्छादित है, बर्फ से पूरा ढका हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती है? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा भी, विषुवत रेखा भी और मकर रेखा भी तीनों रेखाएं गुजरती है? तो याद रखना साथियों, अफ्रीका महाद्वीप से ही कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।